नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी, और एक न्यू वीडियो में भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि दीपावली है, आज छोटी दीपावली है और कल को जो है 31 अक्टूबर की बड़ी दीपावली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप अपने परिवार के साथ खुशियों से दीपावली मनाएं और इस दीपावली पटाखे ना जलाएं, प्रदूषण को बढ़ावा ना दें, कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पटाखे चलाना जो है प्रदूषण को बढ़ावा देना है। तो इस प्रदूषण को बढ़ावा ना दें, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही बहुत प्रदूषण फैला हुआ है। तो कृपया करके आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पटाखे ना जलाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भगवान श्री राम थे, 12 साल का वनवास करके वे अयोध्या लौटे थे, तो ये जो है दीपों को उत्सव है, इसी वजह से इसका नाम दीपावली पड़ा है। तो कृपया करके दीप जलाए और पटाखे ना जलाए, क्योंकि प्रदूषण को बढ़ावा देना और अपनी ही जान को खतरे में डालना है। तो दोस्तों, बहुत प्रदूषण हो जाता है और सरकार भी इसके लिए बहुत सतर्क है कि आप पटाखे ना जलाएं, क्योंकि बहुत दिल्ली में जैसा कि यहाँ पर पटाखे जलाए जाते हैं दीपावली को, बहुत प्रदूषण हो जाता है। तो आप भी कृपया करके पटाखे ना जलाए। तो जैसा कि हमारे वीर जवान जो है इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी है, तो उनके लिए भी एक दीप अवश्य जलाए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे इस दीपावली। और जो हमारे वीर जवान है, जैसे कि हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर रहकर दिन रात की मेहनत करके, जिससे कि हम चैन से अपने घर में सोते हैं, तो उनके लिए भी कृपया करके दुआ करें कि वे भी सही सलामत रहे और उनका परिवार भी सही सलामत रहे, और उनके लिए भी एक दीप अवश्य जलाए, क्योंकि वे हैं तो हम सुरक्षित हैं अपने घरों में। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी एक दीप अवश्य जलाए और उम्मीद करें कि उनका परिवार भी सही सलामत रहे, जिनकी वजह से आज हम सही सलामत अपने देश में रहते हैं और अपने घर में सोते हैं चैन से। तो ये गुजारिश करना चाहूँगा मैं आप सभी से, और दीप जलाए, खुशियों से त्यौहार मनाएं, मिठाई के साथ मनाएं, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटें, क्योंकि ये जो है खुशियों का त्यौहार है, ना कि प्रदूषण फैलाने का त्यौहार है। तो प्रदूषण पर कृपया करके काबू रखें और अपने आप पर भी काबू रखें, पटाखे ना छोड़ें। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में प्रदूषण जो है बहुत बढ़ चुका है पहले से ही, आप सभी को दीपावली की बधाई देने के लिए ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाने के लिए अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं जो हूँ अभी व्यस्त हूँ। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इस बार जो करेंगे कुछ धमाका ही करेंगे, क्योंकि बड़ा करेंगे। और इस बार जो है, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए जाऊँगा कहीं पर भी, तो कंटिन्यू वीडियो आया करेगी, पर डे की वीडियो आया करेगी। और दोस्तों, कुछ स्पेशल है आपके लिए, तो वीडियो में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे और वीडियो जो है आपको कंटिन्यू देने की कृपा करूँगा मैं भी अपनी तरफ से, क्योंकि वीडियो जब से मैं मुरादाबाद कावड़ यात्रा करके आया हूँ, मैंने कहीं की वीडियो नहीं बनाई है, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी वजह से, क्योंकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जैसा कि दीपावली का फेस्टिवल है ये, तो दीपावली की बधाई देने के लिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा था। और दोस्तों, इस बारे में बता दूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो दोस्तों अभी जो है थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा कोई भी कहीं भी की भी। और मुरादाबाद कावड़ यात्रा के बाद मैंने कोई एक भी वीडियो नहीं की है, ये वीडियो कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे, और कंटिन्यू वीडियो जब भी आएगी, दोस्तों मैं वीडियो बनाता था हूँ पर उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं आ पाता जिस तरीके के मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है एक क्रिएटर को जो मेहनत लगती है उसकी मेहनत भी नहीं मिल पाती, और इसी वजह से बस थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और वीडियो में उस तरीके का रेस्पॉन्स ना आए, व्यूज ना आए, लाइक ना आए, तो कोई फ़ायदा नहीं बनाने का। इस वजह से जो है अभी मामला डिसमिस चल रहा है मेरा, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि व्यूज तो आते नहीं, लाइक नहीं आती, तो मैं भी वीडियो बनानी बंद कर रखी है और थोड़ा बिजी भी हूँ काम में। जब कभी वीडियो मैं बनाने जाऊँगा इस बार, तो कंटिन्यू वीडियो देने की आपको कोशिश करूँगा, और वीडियो में भी कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और आप लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर भी करो। और दोस्तों, वीडियो में जो पीछे की लोकेशन आ रही है और उसको कृपया करके इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास जो है कोई इतना स्टैंडर्ड रूम नहीं है जो मैं वहाँ पर बैठ के वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों, जैसा भी है टूटा फूटा घर, वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा हवाबाजी करने में कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि जैसा भी है रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ये आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि हवाबाजी करने में कोई नहीं है, जैसे है वो आप जैसी लाइफ आप जी रहे हो वैसी लाइफ दिखाओ। तो कोई स्टैंडर्ड तो मामला है नहीं, स्टैंडर्ड तो मामला जब ही बनेगा जब यूट्यूब से इनकम आनी चालू हो जाएगी। वैसे इनकम मेरा चैनल मोनोटाइज हो गया था कावड़ यात्रा में, हरिद्वार वाली में ही, और मुरादाबाद कावड़ यात्रा में मैं दोबारा गया था, तो इनकम आनी चालू होगी। तो जब कभी फर्स्ट पेमेंट मैं निकालूंगा उसकी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि फर्स्ट पेमेंट मेरी कितनी आई है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता किस हिसाब का मेरा रेस्पॉन्स चल रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि मोनोटाइज चैनल है भाई साहब, कमाई का क्या हो रहा, क्या हिसाब चल रहा,
तो अभी भाई साहब कुछ नहीं बता सकता, जिस टाइम पे पहली पेमेंट यूट्यूब से आ जाएगी उस टाइम पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जितनी भी पेमेंट आएगी वे आपको बता दी जाएगी कि कितनी फर्स्ट पेमेंट आई है। उम्मीद करता हूँ कि 2025 जो आएगा इसमें आपको कंटिन्यू वीडियो देने की कृपा करूँगा, क्योंकि अभी जो हूँ मैं थोड़ा वह चल रहा हूँ, और थोड़ा हमारे यहाँ पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसा कतौली का मील है ये भी चल गया है, तो थोड़ा अभी पर्ची वर्ची आएगी तो गन्ने वन्ने मील में डालेंगे, तो उसके बाद ही वीडियो बनाने की सोचेंगे, क्योंकि पहले एक तरफा काम से निमट के ही वीडियो बनाने में जब ही मज़ा आता है, क्योंकि फिर माइंड भी फ्रेश रहता है और काम की कोई टेंशन नहीं रहती घर की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा कि पर डे वीडियो डाला कर, जैसा भी है मतलब गांव की वीडियो दिखाओ कुछ भी दिखा चाहे, मगर पर डे वीडियो डाला कर अपने यूट्यूब चैनल पर इससे करोगे फेस आइडेंटिटी बनेगी। अरे मुझे फेस आइडेंटिटी बनानी होता है मगर ऐसे नहीं बनानी, अपनी पर्सनल लाइफ जब कोई देखता है, जब आप कुछ उखाड़ लेते हो अपनी लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ अपनी अगर दिखानी है तो पहले कुछ अचीव करके दिखाओ, उसके बाद फिर सोचना कि आपको पर्सनल लाइफ दिखानी है कि या वह दिखाना है कि जो आप यूट्यूब पे पहले से दिखाते आ रहे थे। तो पर्सनल लाइफ मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता इसी वजह से, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है तो है नहीं, और जब मेरे पास कुछ होगा दिखाने लायक तो मैं आपको दिखाऊँगा भी, क्योंकि बंदा जो है यूट्यूब पर आ रहा है अगर, तो पर्सनल लाइफ भी आप 4 दिन देख लोगे, 5 दिन देख लोगे, महीना देख लोगे, 2 महीना, 6 महीने कब तक देखोगे। तो दोस्तों बोर हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है बंदा कि इसका तो रोज है ऐसा ही, ये तो यही करेगा, यही दिखाएगा, वही दिखाएगा, मतलब बंदे के मन में जो व्यूअर है हमारा उसके मन में ऐसी एक फिगर बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी आपके मन में मैं फिगर नहीं बनाना चाहता अभी, क्योंकि मैं जो हूँ पहले कुछ अचीव करना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब से कुछ इनकम ले लूँ और कुछ अपने घर को सेटल कर लूँ, इसकी कुछ हालत सुधार दूँ, तो उसके बाद जो है फिर अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने की कोशिश करा करेंगे और ट्रैवलिंग भी करा करेंगे, क्योंकि मेरा तो ट्रैवल का ही काम है, ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता हूँ मैं। तो अभी मैं पर्सनल लाइफ अपने दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा इसी वजह से, क्योंकि पहले कुछ हासिल कर लूँ इस यूट्यूब से, और 2025 जैसे कि आएगा तो उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पर डे की एक वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पर्सनल लाइफ तो दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा अभी मैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, आप अपने परिवार के साथ खुशियों से ये दीपावली का पर्व मनाए। भगवान श्री राम से दुआ करेगी आपका जो परिवार है वे खुश रहे, कभी दुख ना हो, कष्ट ना हो, कुछ भी। ये दीपों का उत्सव है दीपावली, तो दीप जलाए, और एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्रदूषण ना करें, प्रदूषण को बढ़ावा ना दें। सरकार भी बहुत कठिन प्रयास कर रही है कि आप दीपावली पर पटाखों पर थोड़ा काबू रखें और अपने आप भी काबू रखें। तो बस छोटी सी ये आपको शुभकामनाएं देनी थी, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और खुशियों से दीप जलाएं और खुशियों से अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं, और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।